आज हम आपके लिए एक पौधा तो हमारा बहुत पुराना है, हमारा देश का है, पर इस पौधे के विषय में जो जानकारी हुई है वह रॉक्सबर्ग, एक पश्चिमी विद्वान हुआ डॉक्टर रॉक्सबर्ग के बाद में इसके विषय में ज़्यादा जानकारी और हमारे देश में इस पौधे के विषय में औषधीय प्रचलन बढ़ा। निश्चित रूप से पश्चिमी लोगों ने देश के गौरव को बढ़ाने में कोई विशेष योगदान नहीं दिया, हालांकि कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि के चलते किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य भी किया है। मैं रॉक्सबर्ग का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जिस वृक्ष का यह जो देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये पौधा, ये प्रायः जो वर्षा वाले क्षेत्र वाली जगह है वहाँ पर, जैसे आसाम है, बंगाल है, सिक्किम है, सिक्किम का जो निचला भाग है उधर यह काफ़ी पाया जाता है। इसको वहाँ पर भी इसको हम उलट कमल के नाम से इसको जानते हैं और एब्रोमा अगल्टा इसका बॉटनिकल नाम है, एब्रोमा अगल्टा, और हिंदी में हम इसको उलट कमल और योनि पुष्पा दो नाम से इसको हम जानते हैं। इसको आयुर्वेद में इसके दो नाम प्रचलन में हैं, इसको उलट कमल और योनि पुष्पा बोलते हैं। और यह पौधा प्रायः आप देखेंगे इस पौधे में इसकी जो पत्तियां हैं, ये आप देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी जो पत्तियां हैं इसकी, ये कुछ जब टहनियों में पत्ती अलग हो जाती हैं तनों के पत्ते अलग हो जाते हैं, ये पत्ता भी इसी का ही है। इसका जो पत्ता है एक तरफ तो इतना बड़ा भी होता है और एक तरफ जब टहनियों के साथ में ही होता है ये छोटा भी होता है। ये बड़ा पत्ता को देख करके इसका सेम पत्ता, इसी तरह की आकृति का पत्ता आपका स्थल कमल का होता है। स्थल कमल के विषय में प्रायः हम सब जानते हैं, वो उसमें और इसमें जो फ़र्क है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक यदि ध्यान से देखें तो यदि इसमें फूल ना हो, यदि ये फल ना आए हुए हों जैसे कि मेरे पास में आप देख रहे हैं, तो सिर्फ एक स्थूल पहचान है, वो है कि थल कमल में ये जो धारियाँ हैं आप देख रहे हैं पत्ते के बीच में, इसका जो कलर है वह रेड कलर का नहीं होगा जैसा इसमें है। यही एक स्थल कमल और उलट कमल इस दोनों में भिन्नता करने के लिए एक यह पहचान मैंने आपको बताया। ये हालांकि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के क्षेत्र में यह पौधा काफ़ी कम पाया जाता है, परंतु इसके जो औषधीय गुण हैं वो इतने प्रचलन में आ चुके हैं कि आज यह पौधा, ठीक है हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं किया है, कहीं पर मिला नहीं, हमने भी प्रयत्न किया, पुनरपि इसके जो गुण हैं, इसके जो प्रयोग हैं, वो आज आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके हैं और निर्बाध रूप से बहुत सारे जो अर्वाचीन जो विद्वान हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, उन लोगों ने यह पाया कि यह अत्यंत गुणकारी पौधा है। और आज हम इन्हीं गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका नाम है योनि पुष्पा। योनि पुष्पा शायद इसकी पुष्प की जो आकृति है कहीं ना कहीं कुछ योनि की आकृति से कितनी मिलती है या योनि से क्या संबंध है हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो फल आते हैं तो उलट कम्बल इसको क्यों कहा जाता है, या जैसे आप देख रहे हैं इसकी आकृति कुछ स्त्री जननांग से शायद इसका कुछ संबंध आकृति के रूप में हो हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी इसको योनि पुष्पा कहा जाता है। तो इसका जो प्रयोग भी स्त्री रोगों में चाहे कितनी भी तरह की परेशानियां हों, यह एक अचूक रामबाण औषधि माना गया। जो प्रयोग किए गए, अनुसंधान किए गए, उसमें इसके कुछ ऐसे प्रामाणिकता से प्रयोग किए गए, विशेष करके जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है, जिनको मासिक धर्म की कमी है या समय पर मासिक धर्म नहीं होता है, इसके पंचांग का प्रयोग, प्रायः इसकी तैनी बहुत मोटी नहीं होती है, इसके छिलके को निकाल करके और इसके जो जड़ का जो छिलका है, इस पौधे को आप उसका जड़ निकालिए और उसके छिलके का
लगभग 5 ग्राम इस छिलके को आप पानी में पकाएं, 200 ग्राम या 400 ग्राम पानी में। जो काढ़ा बनाने की जो विधा है हम पहले भी आपको कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये सब फांट, कसाय, रस, क्वाथ, इन विषय में भी हम और चर्चा करेंगे। पर अभी जो काढ़ा जो बनाया जाता है, काढ़ा बनाने के लिए प्रायः देखिए अष्टमांश शेष रहें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चतुर्थांश तो शेष रहना ही चाहिए। चतुर्थांश का अर्थ हुआ कि आप जितना पानी आप उस द्रव्य में डालते हैं, उस औषधि के अंदर डालते हैं, उसमें से एक चौथाई। जैसे मान लीजिए कि आपने इसका, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारे पास में जो पौधा है उलट कम्बल का, इस उलट कम्बल का आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा का जो जिस द्रव्य का काढ़ा बनाना है, हमें पत्ती का बनाना है, टहनी का बनाना है, जड़ का बनाना है। हम बात कर रहे थे जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है या समय पर पीरियड नहीं होता है उसके लिए, उसके लिए यदि आप 5 ग्राम लगभग इसकी जड़ को ले लें, उलट कम्बल के जड़ को, और उसमें लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबालने के बाद में जब बचे 100 ग्राम, 100 ग्राम बचने पर छान करके पिएं, और उसको पीने से उनको पीरियड संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। और जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए ज़रूरी है वो काली मिर्च मिला दें। लगभग 7 काली मिर्च डालें 5 ग्राम इसके उलट कम्बल के जड़ के क्वाथ में, इसको उबाल करके जब रह जाए 1/4, नियमित रूप से पिएं। इससे निश्चित रूप से उनको जो मानसिक विकार संबंधी जो दोष है, और इससे एक जो बड़ा लाभ है जो अभी इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो ये है कि इससे आप जो आपकी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं, उसकी जो विकृतियाँ हैं, माता बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आदत में, स्वभाव में, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और एक असामान्यता और उग्रता, ये सब दोष आ जाते हैं। तो उन सब दोषों को भी यह निराकरण करता है। हालांकि ध्यान रहे, ये उलट कम्बल का हमारे यहाँ भी प्रयोग होता है, हमारे यहाँ औषधि बनती स्त्री रसायन का सेवन करके भी आप वो सब लाभ पा सकते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब ये खिला हुआ मिले आपको फल वगैरह, तो बड़ा ये खुजली वाला फल है, ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इससे जो निकलती हुई रोए जो हैं ये बड़ा भयानक खुजली करते हैं, जैसे कि अभी मेरे को अपने शरीर में भी चारों तरफ महसूस हो रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पौधा कोई जहरीला नहीं है, परंतु इसके जो थोड़े सी जो रोए हैं वो खतरनाक हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है, ये अच्छा लगता है, हरा भरा देखने में भी सुंदर है और हरियाली है। इसको आप घर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके क्षुप करीबन निकल जाते हैं, 15-20-30 फीट ऊँचे हो जाते हैं ये, और थोड़ी सी जगह पर भी ये फैल जाते हैं, और जहाँ थोड़ी बारिश हो जाती है उगाया जा सकता है। तो अच्छा लगेगा, आप घर में लगाइए, गमलों में लगाइए। और इसका प्रयोग जो है दूसरा, इनकी पत्तियों का भी यदि आप रस निकाल करके पीते हैं, जो भयानक यदि आपको मासिक पीड़ा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में इनके पत्तियों का रस निकाल करके बमुश्किल आपको रस देना है 4-5 ग्राम, यानी 5 ग्राम का अर्थ हुआ दो तीन चम्मच रस, बस ज़्यादा रस की आवश्यकता नहीं है। 2-3 चम्मच रस यदि आप पिला देते हैं सुबह शाम, जिस माताओं बहनों को या तो ओवर ब्लीडिंग हो रही हो या पीरियड के समय बहुत भयानक दर्द हो रहा हो, भयानक दर्द में भी इसका रस तुरंत काम करता है। यह एक अनुभूत प्रयोग है।